वेलकम टू आवर चैनल स्कूल ऑफ जोग्राफी इंडिया दोस्तों इस वीडियो में आप मैप्स और मैप्स के सिग्निफिकेंस उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे द अर्थ इज़ अवज प्लेनेट जिसमें बहुत सी रिलीफ फीचर्स हैं जैसे माउंटेंस प्लेन्स प्लेट्यूज वैलीज रिवर्स लेक्स सीज एंड ओशंस एट्सट्रा फ्रेंड्स इतने बड़े प्लैनट जो कि स्फेरिकल शेप में हैं इसे यानी इंटायर अर्थ को एक ही बार में हम व्यू नहीं कर पाएंगे और ना ही अर्थ को एक फ्लैट सरफेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स uh, के थ्रू इसे uh, रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ग्लोब्स एंड मैप्स व्हाट इज़ ग्लोब ग्लोब इज अ थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एंड इज़ द मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस टू स्टडी द होल अर्थ इट शोज द अर्थ इन अ स्मॉल फॉर्म एंड अ मॉडल ग्लोब ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड अ टेरेस्ट्रियल ग्लोब फ्रेंड्स अर्थ के इस मॉडल से आप अर्थ को ब्रॉड uh, लेवल पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन अर्थ की सारी की सारी टोपोग्राफिकल डिटेल्स को इसमें नहीं दिखाया जा सकता है राइट right? इन टोपोग्राफिकल फीचर्स को जैसे माउंटेंस वैलीज रिवर्स या फिर एनी अदर टाइप ऑफ जोग्राफिकल फिनिना वी यूज डिफरेंट मैपिंग टेक्निक्स जिसमें एक यूनिफॉर्म बेस पर स्केल बेस्ड इन फीचर्स को ड्रॉ किया जाता है एंड वट इज स्केल स्केल इज द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द सेम पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड तो फ्रेंड्स दिस आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी मैप्स आर रिप्रजेंटेशन

द अबव टू विच सम सिंबोलॉजी इज एडिड फॉर आइडेंटिफिकेसन राइट तो इस तरह से अर्थ्स के डिफरेंट फिनोमिनाज़ को अंडरस्टेंड करने के लिए मैप हमारी हेल्प करते हैं जैसे जियोलॉजिकल मैप सॉइल मैप क्लाइमेटिक मैप वेजिटेशन मैप रिवर मैप अर्थ को एक प्रोन एरिया मैप लैंड यूज कवर मैप राइट right? तो ये सभी प्रकार के मैप उस पर्टिकुलर फिनोमिना को समझने में हमारी हेल्प करते हैं इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैप्स हेल्प्स अस टू ऑप्टेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम स्पेस राइट फॉर एग्जांपल, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया थर्टी टू लैख एटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी थ्री स्क्वेयर किलोमीटर है बट इसे हम वन पेज मैप से इंडिया के जोग्राफिकल एक्सटेंट को समझ सकते हैं राइट right? अब हम बात करते हैं मैप एलिमेंट्स की there are six basic elements of map which are very essential and important for a particular map the first one is title of the map jisse hame pata chalta hai ki ye map kis bare mein hai it introduces the topic or the theme of the map second is scale of the map जो बताता है कि actual ground distance को मैप के ऊपर कितने distance में दिखाया जा रहा है For example, वन is to फिफ्टी थाउजेंड मेन मैप के वन सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ग्राउंड के फिफ्टी थाउजेंड सेंटीमीटर्स यानी कि फाइव हंड्रेड मीटर्स को दिखाया जा रहा है सो इट हेल्प्स अस टू मेजर डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेसेस। देन डायरेक्शन मैप में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाया जाता है जिससे हम बाकी डायरेक्शंस का पता कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द मैप एंड इट अस टू फाइंड द वे राइट Next is grid system. A grid system helps us to locate various places on a map with the help of latitudes and longitudes. These all are imaginary lines. Then conventional signs. These symbols are used to represent different objects such as roads, railway, river, canal, mountains, oceans, etc. इन सिंबल्स की हेल्प से हम टोपोग्राफी को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं राइट देन की इंडेक्स और लेजेंड इट एक्सप्लेन्स द सिंबल्स दैट यूज्ड ऑन अ मैप कि मैप में कौन सा सिंबल कौन से फीचर को दर्शा रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए हर मैप में एक लेजेंड या इंडेक्स होता है नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स को डिस्कस करेंगे राइट थैंक यू थैंक्स अलॉट